24 आवर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के बांदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कमीशन ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में जिलाधिकारी के सामने परेड करने जा रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य को जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचने से पहले ही रास्ते में ब्लॉक प्रमुख के साथियों ने अगवा कर अज्ञात जगह ले गए, जिसकी खबर लगते ही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहां आपको बता दें कि पिछले दिनों कमासिन ब्लॉक प्रमुख नीलम वर्मा के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अविश्वास जाहिर किया था, जिसकी आज जिलाधिकारी बांदा के सामने परेड होनी थी, जिसमें शामिल होने वाले क्षेत्रों के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य बांदा आ रहे थे। तभी रास्ते में समाजवादी पार्टी के नेता व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ब्रजमोहन यादव, निवासी ग्राम तिलौसा मोहम्मद हुसैन, राम नरेश कोटारी पूर्व जिला पंचायत सदस्य अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से आए और बंदूकों के जोर पर जबरन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा कर अगवा कर ले गए, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक वह लोग अपनी गाड़ियों से लोगों को लेकर मौके से गायब हो चुके थे, जिससे नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर डेरा डालकर हंगामा करना शुरू कर दिया। सदस्यों ने जिलाधिकारी से मांग की कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए सदस्यों के परेड की तारीख दोबारा बढ़ाई जाए, ताकि सभी सदस्य मौके पर उपस्थित होकर परेड में शामिल हो सकें। बांदा से भगत सिंह की रिपोर्ट।